चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक बेटा। तो लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन एट द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, और उसमें हमने एक तो ये प्रूव किया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस के। दैट मींस कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के बेटा पैरेलल होती हैं। एंड देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था उसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन, और हमारे पास फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए, और वो जो फॉर्मूला है हमारे पास वो आया था टी अपॉन कोस आर इंटू साइन आई माइनस आर, है ना। एक्स क्या आया था हमारे पास टी अपॉन कोस आर इंटू साइन आई माइनस आर। तो ये फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम जो है डिराइव किया था ऑलरेडी, ठीक है। आज इससे आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। बेसिकली आज हम रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखो, तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन से रिलेटेड एक एप्लीकेशन जो है रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ से रिलेटेड, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का यहां मेरे इससे क्या बेटा, नॉर्मली क्या होता है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे मीडियम से ऑब्जर्व करते हो, जैसे कि मैं अभी एक एग्जांपल देता हूं। सपोज मैंने एक टैंक ले लिया पानी का, ये कोई पानी का टैंक है, इसमें क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, पानी, ठीक है। तो एक पानी का टैंक हमने ले लिया और इसमें वाटर भरा हुआ है, और इस पानी में नीचे कहीं पे एक पत्थर रखा है, देयर इज अ स्टोन एट द बॉटम ऑफ द टैंक। एक पत्थर है, एक स्टोन है जो बिल्कुल यहां नीचे रखा है, एंड यू आर ऑब्जर्विंग दिस स्टोन इन फ्रॉम द एयर आउटसाइड द टैंक। आप यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहां से जब आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो स्टोन को, तो जब आप इस स्टोन को देखोगे यहां से, तो आपको वो यहां की बजाय ना थोड़ा सा ऊपर नजर आने वाला है। तो ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। इसका कारण भी हम अभी समझेंगे, ये हमने अपनी डेली लाइफ में कई बार ऑब्जर्व किया है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा बेटा, कि जब आपने किसी पानी की टंकी मान ली, या कोई पानी की टंकी है बड़ी सी, उसके अंदर पानी भरा होगा, और आपने जब उसको देखा होगा तो आपको जो टंकी का बॉटम है ना वो थोड़ा ऊपर नजर आया होगा। तो ये क्यों होता है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की वजह से हमें जो एक्चुअल डेप्थ होती है ना, असल में जो डेप्थ है वो नजर नहीं आती हमें, एक्चुअल डेप्थ से थोड़ी कम डेप्थ नजर आती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एपरेंट डेप्थ। इसका कारण क्या है वो भी मैं समझाऊंगा विद रे डायग्राम, कि क्यों हमें एक्चुअल डेप्थ से थोड़ा ऊपर नजर आती है चीजें। अभी टॉपिक समझ में आया आपको तो जल्दी से बेटा रिप्लाई करो कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं, कि रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ ये क्या चीज है, इसका कंसेप्ट क्या है। ये समझ में आया तो जल्दी से आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, या आप बोल के भी रिप्लाई कर सकते हो। ओके, तो तुम्हें समझ में आ गया। तो अब इसका एक रीजन मैं आपको समझाता हूं कि व्हाट इज द रीजन, ठीक है। अब रीजन देखो क्या है इसका, कि क्यों हमें एक्चुअल डेप्थ से थोड़ी कम डेप्थ नजर आती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। इसका एक रे डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये सब। सपोज देयर इज अ बीकर ऑफ वाटर, ठीक है, मैंने बीकर लिया जिसमें क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है यहां तक जी, ठीक है। तो यहां पे जो एक्चुअल डेप्थ है वो इतनी है, ये हमारी रियल डेप्थ है किसी भी चीज की, यहां से लेके यहां तक इसकी क्या है, ये हमारी रियल डेप्थ। और सपोज इसके बॉटम में यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व। अब जब भी किसी चीज को हम देखते हैं तो कैसे हम उस चीज को देख पाते हैं, उससे लाइट रेज हमारी आंखों तक आती है, ठीक है बेटा। जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो कैसे देख पाते हैं, उससे लाइट रेज आती हैं और हमारी आंखों पे पड़ती हैं, तभी वो चीज हमें नजर आती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस टाइम फोन की स्क्रीन पे, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे मुझे देख पा रहे हो, तो वो कैसे देख रहे हो, कि लैपटॉप की स्क्रीन से लाइट रेज आपकी आंखों पे पड़ रही है, तभी देख रहे हो मुझे। सेम यहाँ पे भी यही होगा कि सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने ओ नाम दिया, इसको मैं बाहर से अगर देखूंगा तो कैसे देख पाऊंगा, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आएंगी और मेरी आंखों पे पड़ेंगी। तो अब हम कोई दो लाइट रेज का एग्जाम्पल लेके चलेंगे। सपोज इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे आती है जो सीधी आई, अब ये लाइट कहां से कहां जा रही है, वाटर टू एयर, ये हमारा वाटर है
और बाहर क्या है, आउटसाइड इज एयर, सो लाइट इज गोइंग फ्रॉम वॉटर टू एयर। लेकिन अभी जो मैंने केस लिया है ये नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस है। कौन सा केस है ये? नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस, मतलब लाइट ऐसे जा रही है सीधी। तो जब भी नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस होता है बेटा, तो उसमें लाइट अपना पाथ चेंज बिल्कुल भी नहीं करती, लाइट एज इट इज चली जाएगी सीधा। ठीक है, ये आपने आपने पढ़ा है, बिना अपना पाथ चेंज किए एज इट इज सीधी चली जाएगी। इसके बाद सपोज एक लाइट आती है और इस तरफ जाती है कुछ पर्टिकुलर एंगल पे, ओब्लिक इंसिडेंस पे, मतलब ये एक लाइट आती है, यहां मैंने ये क्या ड्रॉ कर लिया, मेरा नॉर्मल, दिस इज माई नॉर्मल। ठीक है, अब ये जो लाइट है ये कहां जाना चाहती है, वॉटर से एयर में। ये वाली जो लाइट आ रही है इट इज गोइंग फ्रॉम वॉटर टू एयर। अब हमें पता है कि वॉटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है और एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होता है। वॉटर विल एक्ट एज डेंसर मीडियम, वॉटर हमारा क्या होगा बच्चे, डेंसर मीडियम, और एयर हमारा क्या होगा, रेयर मीडियम। तो मैं कह सकता हूं ना कि लाइट जो है वो कहां से कहां जा रही है, डेंसर टू एयर। और जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, लाइट नॉर्मल से अवे बेंट होती है। तो ये जो हमारा नॉर्मल है ना, ये लाइट इस नॉर्मल से अवे बेंट होगी कुछ इस तरह से, तो लाइट विल बेंट लाइक दिस। ठीक है, अब जो ऑब्जर्वर है, जो इन लाइट रेज को ऑब्जर्व कर रहा है, जिसकी आंखों में ये लाइट रेज पड़ रही है, उसे लगेगा कि लाइट कहां से आ रही है। मान ले यहां पे कोई ऑब्जर्वर है जो यहां से लाइट रेज को ऑब्जर्व कर रहा है, उसे लगेगा कि लाइट यहां से आ रही है कहीं, उसे ये थोड़ी दिखेगा कि लाइट ऐसे बेंट होके आ रही है। उसे लगेगा कि ये जो लाइट आ रही है ना उसकी आंखों में, ये बेसिकली कहीं इस पॉइंट से है ऐसे। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट यहां था उसकी यहां पे क्या बन गई, एक वर्चुअल इमेज बन गई। क्या बन गई उसकी, एक वर्चुअल इमेज। एक्चुअल में तो लाइट आ रही है यहां से, लेकिन रिफ्रेक्शन की वजह से ऐसा लगेगा कि लाइट कहां से आ रही है, यहां से आती हुई नजर आएगी, ऐसा अपियर होगा कि लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस वजह से जो ऑब्जेक्ट बिल्कुल बॉटम पे रखा था उसकी इमेज थोड़ा ऊपर बनेगी, और अगर उसकी इमेज ऊपर बनी तो इसका मतलब अगर यहां से बंदा देख रहा है तो इसको लगेगा कि भाई डेप्थ तो इतनी है, और इस डेप्थ को हम क्या बोलते हैं, एपरेंट डेप्थ। क्या बोलते हैं इस डेप्थ को, हम एपरेंट डेप्थ बोलते हैं। तो रीजन समझ में आया बेटा, तो जल्दी से रिप्लाई करो अगर आपको रीजन समझ में आ गया कि क्यों हमें एक्चुअल डेप्थ से थोड़ा कम डेप्थ नजर आती है हमेशा। ओके, चलिए अब हम इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे, कि रिलेशन फाइंड आउट करेंगे रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ के बीच में। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगी रिलेशनशिप किस किस के बीच में, रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ के बीच में, कि एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में। आप अगर पिछले 10 सालों के एग्जाम के क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें आपको इसके भी क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत सारे इस टॉपिक, तो इसको ध्यान से समझना है आपने। तो अब कैसे हम इसका फॉर्मूला जो है डिराइव करेंगे, रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ के बीच में एक रिलेशनशिप जो है हम यहाँ पे डिराइव करेंगे, तो देखो किस तरह से। सबसे पहले हम पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ए, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं बी, और ये हमारी लाइट आती है देखो ऐसे, दिस इज अवर इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और उसके बाद ये है हमारी रिफ्रेक्टेड रे, रिफ्रेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बेटा जो एंगल बनाती है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन। ठीक है, अब अगर आप इस पूरे डायग्राम को ऑब्जर्व करो तो आपको एक दो चीजें और क्लियर हो जाती हैं बच्चे। क्या क्लियर हो जाती है आपको, दो तीन फैक्टर्स और यहाँ पे, वो फैक्टर्स क्या है कि अगर ये एंगल मेरा आई है तो ये एंगल भी क्या होगा, आई होगा, अल्टरनेट एंगल्स है ना। ये देखो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है तो ये लाइन ऐसे कट कर दिए, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये चीज क्लियर है। ये एंगल आई है तो ये एंगल भी क्या होगा, आई। इसके अलावा ये एंगल मेरा आर है तो ये एंगल भी क्या होगा, आर होगा। मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है कि जैसे मान ले ये दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर इन दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन ऐसे कट कर दे तो जो एंगल यहां पे बनता है वही एंगल यहां भी बनता है, तो यहां अगर आर है तो यहां भी आर होगा जी। और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा है कि जैसे अगर दो लाइनें पैरेलल हैं और उनको एक लाइन ऐसे कट कर रही हो तो जो एंगल यहां बनता है वही एंगल यहां भी बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर ये एंगल और ये एंगल बराबर हुए। तो यहां तक अगर ये चीज समझ में आ गई आपको कि ये एंगल आई है तो ये भी आई होगा, ये एंगल आर है तो ये भी आर होगा, तो रिप्लाई करो बेटा, रिप्लाई करो, यहां तक समझ में आ गया आपको।
या टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज। ओके चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट मतलब इसकी डेरिवेशन की तरफ, कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं। तो देखो अब करेंगे हम बेटा कैलकुलेशन। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, पॉइंट बी पे सिनेल स्लो लगा दो जी। क्या लगा दो? पॉइंट बी पे आंखें बंद करके सिनेल स्लो। तो चलिए पॉइंट बी पे लगा देते हैं सिनेल स्लो, यानी कि सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जब हम पॉइंट बी पे बेटा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाते हैं तो क्या आता है हमारे पास, तो यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एट बी। तो अगर हम पॉइंट बी पे सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाते हैं तो ये हमें क्या मिलेगी, देखो कहां से कहां जा रही है जी लाइट, ग्लास से एयर में जा रही है। तो मैं लिखूंगा जी म्यू ए, क्या लिखूंगा जी म्यू ए, रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये तो आता है ना आपको जी म्यू ए, तो पता ही होगा आपको, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया हुआ है। जी म्यू ए क्यों लिखा मैंने, ग्लास से लाइट कहां जा रही है बेटा, एयर में जा रही है। तो दैट इज द रीजन व्हाई आई एम राइटिंग हियर जी म्यू ए। तो जी म्यू ए, अब जी म्यू ए का मतलब भी आपको पता है, जी म्यू ए का मतलब है म्यू ए अपॉन म्यू जी। क्या मतलब है जी म्यू ए का, म्यू ए अपॉन म्यू जी, मीन्स जी म्यू ए का मतलब है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। और ये किसके इक्वल होने वाला है मेरा, यहाँ साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, अब हमें पता है जी एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तो कितना होता है, वन, है ना, एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना होता है बेटा, वन। और वाटर का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, अच्छा मैंने यहाँ ग्लास लिख दिया, सॉरी यहाँ पे मैंने ग्लास लिख दिया, यहाँ पे क्या आना था वाटर, डब्ल्यू म्यू ए आना था, वाटर से एयर में जा रही थी ना, बाय मिस्टेक ग्लास लिखा गया, तो डब्ल्यू कर दिया मैंने इसको, क्लियर है बेटा, डब्ल्यू म्यू ए वाटर से एयर में जा रही थी, और हमने माना वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है हमारा म्यू, तो यहाँ पे म्यू ए की जगह तो आ जाएगा वन, म्यू डब्ल्यू की जगह आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा बेटा साइन आई बाय साइन आर, एंड दिस इज अवर इक्वेशन से वन। तो ये इक्वेशन वन होगी, यहाँ स्टेप वन कंप्लीट हो गया आपका। किसी भी प्रॉब्लम को आपने क्या करना है, स्टेप्स में डिवाइड कर लेना है। यहां पे हमारा ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया इसकी डेरिवेशन का, कि हमने सिंपल इस पॉइंट पे क्या लगानी है, सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगानी है। यहां तक क्लियर हुआ भाई, तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करो बेटा, या आप बोल के मैसेज कर सकते हो। ओके तो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, अब हमें करना क्या है भाई, अब हमें सिंपली साइन आई और साइन आर की वैल्यू निकालनी है। साइन आई और साइन आर की वैल्यू कैसे निकलेगी, राइट एंगल ट्रायंगल्स से। अब जरा ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को, जरा ध्यान से देखो, ओ ए बी ये बन रही है ना, देखो मैं अलग से बनाता हूं, ये ओ, ये गया ए, ये गया बी, ये ट्रायंगल आप देख पा रहे हो इसमें डायग्राम में, दिस वन ओ ए बी, ये वाली ट्रायंगल मैंने अलग से भी बना दी। तो इस ट्रायंगल से इस, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो क्या मैं यहाँ से साइन आई नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूँ है ना, तो यहाँ से साइन आई निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे बेटा यहाँ से साइन आई, तो साइन आई निकाल लेते हैं, तो फ्रॉम, इसको यहीं पे कर लेता हूँ कैलकुलेट, तो फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी साइन I is equal to, अब sin किसके को होता है, sin theta perpendicular upon hypotenuse। अब इस ट्रेंगल में एंगल के सामने क्या होता है बेटा, perpendicular, तो perpendicular है हमारा AB upon hypotenuse, hypotenuse क्या है हमारा ये OB, तो AB upon OB, तो ये sin I आ गया। इसी तरह से मैं क्या निकाल सकता हूँ बेटे, sin R निकाल सकता हूँ है ना, निकाल सकता हूँ ना sin R, कहाँ से निकाल दूंगा भाई, कौन सी ट्रेंगल लूंगा इस बार, I ए बी है ना, यही वाली ट्रेंगल लूंगा ना, तो फ्रॉम ट्रेंगल आई ए बी, आई ए बी, तो ये ट्रेंगल ले लेते हैं बेटा। अब इस ट्रेंगल से साइन आर निकल जाएगा क्योंकि यहां पे एंगल आर है, देखो ये छोटे वाली ट्रेंगल है हमारी, ये आई है यहां, ये ए है, ये बी है, ऐसे ये एंगल बन रहा है हमारा आर, तो साइन आर यहां क्या आएगा, यहां भी परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी,
और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, आईबी है ना। तो हमने साइन आई की वैल्यू भी निकाल ली, साइन आर की वैल्यू भी निकाल ली। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, साइन आई और साइन आर इनकी वैल्यूज को कहां पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो यहां पुट कर देते हैं इसको। तो जैसे ही हम इसको यहां पुट करेंगे, यहां जब इसको बेटा पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो हमारे पास आएगा यहां से वन अपॉन म्यू इज इक्वल टू साइन आई, साइन आई की जगह आ जाएगा ए बी अपॉन ओ बी, ए बी अपॉन ओ बी अपॉन साइन आर, साइन आर की जगह आ जाएगा बेटा ए बी अपॉन आई बी, ए बी अपॉन आई बी। तो ए बी से ए बी कैंसल, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा वन अपॉन म्यू इज इक्वल टू आई बी ऊपर चला जाएगा यहां से और ओ बी नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास। क्लियर है यहां तक? तो यहां से आपके पास म्यू इज इक्वल टू आ गया, ये वन अपॉन म्यू है तो म्यू क्या आएगा, म्यू आएगा ओ बी अपॉन आई बी, उलट जाएंगे। ओके ठीक है ना, उलट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ओ बी अपॉन आई बी। यहां तक क्लियर है? तो यहां तक एक और स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं वापिस अपने डायग्राम की तरफ। अब अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो तो इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो, ये बेसिकली हम किसी भी चीज को कब देखते हैं, जब उससे कम से कम दो लाइट रिज्म तक आए। हम यहां मान के चल रहे हैं कि ये वाली लाइट और ये वाली लाइट हमारी आंखों पे पड़ रही है। अब आप ध्यान से देखो, ये लाइट यहां से जो आ रही है और ये वाली लाइट, ये हमारी आंखों में कब पड़ सकती है, अगर ये दो पॉइंट एक दूसरे के क्या हो, बिल्कुल क्लोज हो। जैसे मान लिया अगर ऐसा हो, ये ऑब्जेक्ट है, एक लाइट तो सीधी चली गई और एक लाइट ऐसे गई, तभी ये दोनों लाइटें मेरी आंखों में पड़ सकती हैं, अगर ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के क्या हो, नजदीक। और एक्चुअल में ये नजदीक होते हैं, यहां डायग्राम में मैंने ए और बी को थोड़ा दूर दूर दिखाया है क्योंकि हमें चीजों को समझना है टेक्निकली, तो चीजों को समझने के लिए हमने इनको दूर दूर दिखाया है, लेकिन एक्चुअल में ये पॉइंट क्या होते हैं, एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं, तभी ये दोनों लाइट रेज हमारी आंखों में पड़ेंगी। देखो ए और बी अगर नजदीक होंगे तभी ये दोनों आंखें, ये जो लाइट रेज है हमारी आंखों में पहुंचे। चीज समझ में आई तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करो अभी जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि इन एक्चुअल होता क्या है बेटा एक्सपेरिमेंटली, ये दो पॉइंट्स भले ही इस डायग्राम में मैंने दिखाया के नजदीक होते हैं, जिससे दोनों लाइट रेज हमारी आंखों पे पड़ती हैं, हमारी आंखों पे पड़ती हैं, ठीक है। तो दैट मींस हम लेंगे अब एक, यहां एक अम्पशन हम लेके चलेंगे कि ए और एक दूसरे के बहुत नजदीक है, तो यहां एक अजम्पशन लेके चलेंगे बेटा कि सिंस ए इज क्लोज टू बी, कि क्योंकि पॉइंट ए और पॉइंट बी एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, तो जो डिस्टेंस मेरी ओ बी होगी, ये वाली डिस्टेंस देखो ओ बी, तो ये डिस्टेंस ओ बी लगभग ओ ए के इक्वल होगी, अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगी, ओ ए के, क्योंकि अगर बी पॉइंट इसके बहुत नजदीक है तो चाहे मैं ओ से ए तक जाऊं चाहे ओ से बी तक जाऊं, लगभग डिस्टेंसेस क्या रहने वाली, सेम। इसी तरह से जो मेरी डिस्टेंस होगी आई बी वो भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी आई ए के, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना आई बी ये लगभग आई ए के पास होगी अगर ये दोनों पॉइंट नजदीक हैं। आप इसको जनरलाइज कर सकते हो ऐसे कि जैसे अगर मैं ये पॉइंट्स नजदीक ले लेता, ये ऑब्जेक्ट था, ये मेरा पॉइंट ए है, अगर मैं पॉइंट बी देखो बिल्कुल नजदीक ले लूं इसके, अब इस डायग्राम को ध्यान से देखना बेटा, इस पॉइंट बी को यहां तो मैंने दूर लिया है लेकिन एक्चुअल में पॉइंट बी नजदीक है, तो नजदीक होने से क्या होगा, आप देख सकते हो ये जो डिस्टेंस है, चाहे मैं ओ बी निकाल लूं चाहे ओ ए निकाल लूं, लगभग सेम है ना, ये चीज आ रही है समझ में आपको, क्योंकि पॉइंट्स नजदीक है ये दोनों। ये चीज समझ में आ गई तो रिप्लाई करो चैट बॉक्स में कि मैंने क्यों लिखा ओ बी इक्वल टू नियरली इक्वल टू ओ ए एंड आई बी आई ए। तो यहां तक हमें समझ में आ गया, तो बस अब ये चीज मैं यहां पे पुट करूंगा इसको, तो मुझे मिलेगा, जैसे ही यहां पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा म्यू इज इक्वल टू ओ बी, ओ बी की जगह आ जाएगा बेटा ओ ए, आई बी, आई बी की जगह आ जाएगा बच्चे आई ए। अब जरा ध्यान से देखो डायग्राम में, ओ ए किसको रिप्रेजेंट करता है जी, ओ ए, ओ ए किसको रिप्रेजेंट करता है, रियल डेप्थ को, है ना, किसको रिप्रेजेंट करता है, रियल डेप्थ को,
ओ ए रिप्रेजेंट रियल डेप्थ। अच्छा आई ए किसको रिप्रेजेंट करता है? आई ए रिप्रेजेंट करता है बेटा अपेरेंट डेप्थ को। किसको रिप्रेजेंट करता है? आई ए अपेरेंट डेप्थ को। तो यहां से हमारे पास रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला आ गया रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का? कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो होगा वॉटर का, मतलब जो हमारा मीडियम है जिसमें लाइट चल रही है, इट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि किसी भी मटेरियल में अगर मुझे रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ की रेशियो निकालनी है तो वो किसके इक्वल आएगी बेटा? रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ की जो रेशियो है वो किसके इक्वल आएगी? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के इक्वल आएगी। किसके इक्वल आएगी? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के इक्वल। ठीक है, तो रिफ्रेक्ट जैसे कि अभी वाटर लिया है ना हमने मीडियम, तो वाटर का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा किसके इक्वल होगा? वाटर में जो रियल डेप्थ है डिवाइडेड बाय जो अपेरेंट डेप्थ आ रही है वो रेशियो। क्लियर है ये डेरिवेशन? ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बेटा इसका डेरिवेशन का, ठीक है ना, या कॉपी में तो आप लिख ही रहे होंगे। ठीक है, तो क्लियर है यहां तक? समझ में आ गया? चलिए अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो अभी हमने थ्योरी जितनी भी की है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा, सभी न्यूमेरिकल्स नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स। बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए यहीं पे जो टीचमेंट का ये हमने ग्रुप बनाया है ना क्लासरूम, इस क्लासरूम में एक आपको ऑप्शन मिलेगा, उसमें स्टडी मटेरियल या असाइनमेंट्स होमवर्क वगैरह का ऑप्शन होगा। वहां पे मैं आपको एक असाइनमेंट भेज दूंगा कल, वो असाइनमेंट आपने सॉल्व करनी है और उस असाइनमेंट में इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो तो देखो अब मैं इसको कर देता हूं रब। अब करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो अब तक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, कुछ देखते हैं। तो न्यूमेरिकल्स हमारे पास आएंगे जैसे कि वही शरारती, चलो मम्मा पास, चलो 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 चलो। ठीक है, जैसे कि एक एक क्वेश्चन है सीबीएसई में 91 में आया है ये क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट है मैं लिख देता हूँ फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं उसको। फर्स्ट न्यूमेरिकल है एक इससे रिलेटेड कि द अपेरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ द टैंक, द अपेरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ठीक है, कि द अपेरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ द टैंक एट द बॉटम ऑफ द टैंक फिल्ड विद ए लिक्विड ऑफ रेफरेंस इंडेक्स 1.3 फिल्ड विद ए लिक्विड ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.3 ठीक है, फिल्ड विद ए लिक्विड ऑफ रेफरेंस 1.3 इज 7.7 सेंटीमीटर, इज 7.7 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द लिक्विड इन द टैंक? व्हाट इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ लिक्विड इन द टैंक? तो ये क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, बताओ भाई कैसे सॉल्व हो गए? इजी है क्वेश्चन? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला यहां पे जो है हमें यूज करना है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला यहां यूज होगा इस क्वेश्चन में। कैसे करेंगे इसको सॉल्व जरा ध्यान से देखो, हमें क्या कहा है
कि द अपेरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ द टैंक फिल्ड विद लिक्विड ऑफ रिफिनेट्स 1.3। तो जो दिया है वो लिख लो। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, जो भी आपको डाटा दिया है वो लिखना पड़ता है। तो आपको दिया है कि जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है लिक्विड का वो कितना है, 1.3 है, और ये आपको क्या दिया है, 7.7 सेंटीमीटर अपेरेंट डेप्थ। क्या दिया है, 7.7 सेंटीमीटर आपको अपेरेंट डेप्थ। सो यू हैव गिवन द अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ। तो अपेरेंट डेप्थ जो है हमें वो दी है 7.7 सेंटीमीटर। तो इसको लिख लेते हैं 7.7 सेंटीमीटर। एंड वी हैव टू कैलकुलेट द एक्चुअल डेप्थ। क्या निकालनी है हमें, एक्चुअल डेप्थ निकालनी है। तो अभी अभी इसका फॉर्मूला डिराइव किया है, वो डायरेक्ट यूज हो जाएगा, है ना, फॉर्मूला यूज कर लेंगे। हमें पता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसके कुल होता है, रेशियो ऑफ, अभी भी पढ़ा था ना, किसके कुल होता है, रेशियो ऑफ रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ ऊपर आती है और जो आपकी अपेरेंट डेप्थ है वो नीचे आती है। तो यहां से आप कैलकुलेट कर लो, तो यानी कि रियल डेप्थ किसके इक्वल आएगी, यहां से ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा रिफरेंट एक्स इंटू अपेरेंट डेप्थ। वैल्यूज रखोगे तो म्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, 1.3, और अपेरेंट डेप्थ कितनी है, 7.7। इनको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका 10.01 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 10.01 सेंटीमीटर। सो दिस इज द रियल डेप्थ। क्लियर है बेटा, ये आपकी रियल डेप्थ है। न्यूमेरिकल आया समझ में तो जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, और यू कैन डू वॉइस मैसेज। ठीक है बेटा, आ गया समझ में कोई डाउट, इसमें इजी था, अभी मुश्किल पे भी चलेंगे, ठीक है ना। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, थोड़े ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जो अच्छे होंगे, अच्छे लेवल के होंगे, ठीक है। तो इसको उतार लो कॉपी में, जैसे ही कॉपी में लिख लोगे ये क्वेश्चन तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। इसको कॉपी में लिख लो क्वेश्चन में, ये सीबीएसई में 91 में आया हुआ है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीबीएसई का। इस टॉपिक से हालांकि न्यूमेरिकल्स थोड़े कम है, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स ऑप्टिक्स में ना उससे आते हैं, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप से, ठीक है। ओके बेटा, तो इसके बाद देखो एक बार मैं इंक डाल लूं मार्कर में। तो इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस लगाएंगे, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था भाई, अब कुछ थोड़ा ऊपर चलते हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है ना। समझ तो आ रहा है ना आपको फिजिक्स? चलिए तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं बेटा, इसको मैं रब कर देता हूं। टीच मिंट पे पढ़ने का ये बेनिफिट है बेटा, हमारे लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब जैसे आज हमारी जो क्लास चली है ना, ये सारी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आप कभी भी इसको देख सकते हो, आधे घंटे बाद आपके क्लासरूम में आ जाएगी। इसमें कोई मतलब एरर तो नहीं आ रही, मतलब वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं टीच मिंट के थ्रू? जूम, मतलब जूम को अगर कंपेयर करें तो टीच मिंट आई थिंक मच बेटर देन जूम। और दूसरा जो जूम है, जो जूम ऐप है वो चाइनीज है, और जो टीचमेंट ऐप है वो इंडियन ऐप है, IITians ने बनाई है, इंडिया के ही लोगों ने बनाई है, और आज के टाइम में बहुत फेमस है टीचमेंट, वो काफी इसमें वर्सेटाइल है, बहुत बेनिफिट है आपको इस चीज का। तो इसके बाद देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, अपेरेंट डेप्थ वाला करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखो एक थोड़ी लंबी स्टेटमेंट है, साथ साथ लिखते रहना, टाइम बचेगा हमारा, ठीक है ना। स्टेटमेंट साथ साथ लिखना इस क्वेश्चन की, ठीक है बेटा। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है,
इससे पहले ना कि ये न्यूमेरिकल कराऊं, मैं तुम्हें एक थियोरेटिकल टॉपिक बताना भूल गया बेटा, मैं तुम्हें नॉर्मल स्विफ्ट का फॉर्मूला ड्राइव करना मेरे ध्यान नहीं रहा, वो करवा देता हूँ पहले तुम्हें, ठीक है। एक फॉर्मूला था, अभी तो हमने एक फॉर्मूला था, ये हमने निकाला, क्या निकाला हमने फॉर्मूला, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ये फॉर्मूला तो मैंने तुम्हें बता दिया। इसके अलावा इसमें एक टॉपिक और आता है रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ वाले में ना, वो करा देता हूँ, फिर उसके बाद ही हम ये न्यूमेरिकल कर पाएंगे। उसे बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट, क्या बोलते हैं, नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, वो ये कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है कई बार। नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट शिफ्ट होता है द हाइट थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट अपियर टू बी रेज्ड इन अ डेंसर मीडियम। मीन्स नॉर्मल शिफ्ट क्या है पहले समझो, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ही ये न्यूमेरिकल होगा जो नेक्स्ट मैं आपको करवाऊंगा। नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है बेटा, कि जैसे मान लिया ये कोई कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में ये हमारा डेंसर मीडियम है, ये पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, और ये हमारा ऑब्जेक्ट था। इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो हमें पता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन वो कहीं यहाँ को नजर आएगी, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ नजर आ रही है, तो ये इसकी रियल डेप्थ है ना, और ये इसकी इतनी क्या है, एपरेंट डेप्थ। तो अब नॉर्मल शिफ्ट क्या है, नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को जब हमने देखा बाहर से तो कितनी हाइट तक ऊपर उठ गया, मतलब यहां से लेके यहां तक की ये जो डिस्टेंस है ना, मतलब ऑब्जेक्ट और इसकी इमेज के बीच की जो ये डिस्टेंस है, इसे बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं। तो नो शिफ्ट, देखो नाम से ही समझो, नॉर शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब क्या होता है, अपनी जगह से शिफ्ट होके कहीं और चले जाना, शिफ्ट डिस्प्लेस कर लेना अपने आप को, ठीक है ना। नॉर्मल मतलब नॉर्मली, तो नॉर्मल मतलब बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे ऊपर, ऑब्जेक्ट यहाँ है तो 90 डिग्री ऊपर यहाँ मिल रहा है हमें, तो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से कितना शिफ्ट हुआ, कितनी हाइट ऊपर चला गया, इसे बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट, समझ गए। तो नॉर्मल शिफ्ट का मतलब क्या है, द हाइट ठीक है, द हाइट थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट अपियर टू बी रेज्ड, द हाइट थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट अपियर टू बी रेज्ड, तो कितनी हाइट तक कोई सी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट हमें अपियर होता है उठा हुआ, नॉर्मल शिफ्ट उसे बोलते हैं। और अगर नॉर्मल शिफ्ट मुझे कैलकुलेट करनी है तो यहां से बेटा साफ नजर आ रहा है कि इफ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट नॉर्मल शिफ्ट देन हाउ आई विल कैलकुलेट इट, नॉर्मल शिफ्ट सिंपली इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ में से अगर मैं एपरेंट डेप्थ माइनस कर लूं तो नॉर्मल शिफ्ट मिल जाएगी मुझे, दैट मीन्स नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या हुआ, नॉर्मल शिफ्ट हुई रियल डेप्थ जितनी एक्चुअल डेप्थ है माइनस जितनी हमें लग रही है ना, एपरेंट डेप्थ, दोनों को एक दूसरे में से माइनस कर लो तो आपको नॉर्मल शिफ्ट मिल जाएगी। अब हम नॉर्मल शिफ्ट को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, किससे, डी से, और रियल डेप्थ जो होती है ना, जो एक्चुअल डेप्थ होती है, उसको टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, टी से। तो आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, ठीक। तो रियल डेप्थ को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और एपरेंट डेप्थ को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वाई से जो मर्जी आप रख लो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में लिखना है। अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि म्यू क्या था, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, तो यहां से एपरेंट डेप्थ किसके इक्वल आ जाती है, एपरेंट डेप्थ, इस फॉर्मूले से एपरेंट डेप्थ क्या आ जाती है हमारी, रियल डेप्थ अपॉन म्यू। अगर इसको इधर ले आऊं और म्यू को इधर ले आऊं, है ना, रीअरेंज कर लिया, तो यहां ये वैल्यू यहां रख दूंगा, यहां रखूंगा, तो मेरे पास बनेगा नॉर्मल शिफ्ट डी इज इक्वल टू रियल डेप्थ टी माइनस एपरेंट डेप्थ की जगह क्या आएगा, रियल डेप्थ जिसको हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि टी माइनस टी अपॉन म्यू। तो ये लिख सकता हूँ इसको बेटा मैं, अब यहां से टी को क्या निकाल लूंगा, कॉमन, तो नॉर्मल शिफ्ट कितना आ गया मेरा, टी कॉमन आ गया बाहर, 1 माइनस 1 बाय म्यू। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द नॉर्मल शिफ्ट। ये किसका फॉर्मूला है बच्चे, नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला है, कि नॉर्मल शिफ्ट किसके इक्वल होती है, जो थिकनेस है या कह लो जो रियल डेप्थ है, इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ये समझ में आ गया तो रिप्लाई करो बेटा जल्दी से, नॉर्मल शिफ्ट अगर समझ में आ गया फिर इसका न्यूमेरिकल करते हैं। ये समझ में आ गया तो रिप्लाई जरूर करो, ठीक है, चलो देखते हैं रिप्लाई आपका। चलिए आगे समझ में, तो अब करते हैं आगे,
अब इसका न्यूमेरिकल करते हैं बेटा। न्यूमेरिकल देखो, स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। तो स्टेटमेंट है हमारी कि द बॉटम ऑफ ए कंटेनर इज 4 सेंटीमीटर थिक ग्लास। बॉटम ऑफ ए कंटेनर इज 4 सेंटीमीटर थिक ग्लास। ठीक है, कि एक कंटेनर है उसका बॉटम कितना थिक है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बॉटम ऑफ ए कंटेनर इज 4 सेंटीमीटर थिक ग्लास वूज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज 1.5। 1.5 ग्लास स्लैब। ठीक है, उसके बाद है, साफ साफ लिखते रहो आप स्टेटमेंट, टाइम कम है। द कंटेनर कंटेन टू इमिसिबल लिक्विड्स ए एंड बी। द कंटेनर कंटेन टू इमिसिबल लिक्विड्स ए एंड बी, कि जो हमारा कंटेनर है उसमें दो लिक्विड भरे हुए हैं ए एंड बी। द कंटेनर कंटेन टू इमिसिबल लिक्विड ए एंड बी ऑफ डेप्थ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ए एंड बी ऑफ डेप्थ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, व्हाट इज द अपरेंट पोजीशन ऑफ अ स्केच ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉटम। व्हाट इज द अपरेंट पोजीशन ऑफ स्केच ऑफ अ स्क्रैच, स्केच नहीं है, स्क्रैच है, ऑफ अ स्क्रैच ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉटम ऑफ द ग्लास स्लैब। ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉटम ऑफ ग्लास स्लैब व्हेन व्यूड थ्रू द कंटेनर। व्हेन व्यूड थ्रू द कंटेनर, थ्रू द कंटेनर, गिवन दैट द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड ए एंड बी आर। तो लिक्विड ए और लिक्विड बी के जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो कितने दिए हैं हमें? 1.4 एंड 1.3, 1.4 एंड 1.3 रिस्पेक्टिवली। तो बेटा ये दिया है हमें स्टेटमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है, इजी नहीं है। तो स्टेटमेंट देखो, पहले तो आपको समझ में आई या नहीं? लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है, कॉपी में लिख ली स्टेटमेंट तो जल्दी से रिप्लाई करो। अगर स्टेटमेंट लिख लिख ली अगर स्टेटमेंट लिख लिख ली तो रिप्लाई करो। ओके ओके, स्टेटमेंट लिख ली, अब इसको पढ़ो, स्टेटमेंट को पढ़ो, खुद से सोचो क्या कहा है। स्टेटमेंट को पढ़ो बिल्कुल कूल, आराम से उसको फील करो क्वेश्चन को। फिजिक्स जो है वो फील करने वाली चीज है, जस्ट फील द फिजिक्स। क्वेश्चन को पढ़ो, उसको समझो क्या कहा है उसमें, उसको इमेजिन करो, जो जो उसने कहा है उसको इमेजिन करो, और जो आपने इमेजिन किया उसको कॉपी पे उतार दो, मतलब उसका डायग्राम बनाओ जो जो इसने कहा। ये एक ट्रिक है सिंपल क्वेश्चन को समझने की, फील करने की। क्वेश्चन को फील करना है, रटना नहीं है। देखो इन्होंने क्या कहा है आपको है, और वैसी ही इमेजिनेशन करनी है अपने ब्रेन में, और फिर उस इमेजिनेशन को अपनी कॉपी में उतार देना है। देखो क्या कहा है इन्होंने कि बॉटम ऑफ ए कंटेनर, कंटेनर आया ना, कंटेनर मतलब कोई बर्तन है, और बर्तन का बॉटम, बॉटम ठीक है। तो इसने क्या, जैसे कि सपोज ये कोई कंटेनर है, सपोज दिस इज अ कंटेनर, ये कोई कंटेनर है,
जैसे मेरे पास ये हेयर ऑयल है, ठीक है, तो ये एक कंटेनर है बेटा, ठीक। तो इस कंटेनर की हेल्प से हम समझते हैं इस चीज को। तो इन्होंने क्या कहा है कि सपोज देर इज अ कंटेनर के बॉटम ऑफ ए कंटेनर इज 4 सेंटीमीटर थिक ग्लास। मीन्स इन्होंने कहा है कि हमारे पास जो कंटेनर है वो ग्लास से बना हुआ है और उसका जो बॉटम है ना वो 4 सेंटीमीटर थिक है। इसका जो बॉटम है कंटेनर का वो 4 सेंटीमीटर थिक है और ये किससे बना हुआ है, ग्लास से, मतलब कांच का एक गिलास है बेटा। क्या है, कांच का एक गिलास। अब कांच के गिलास का बेस आपने देखा होगा मोटा होता है, बेस देखा है ना आपने कांच के गिलास का। ये तो मेरे पास प्लास्टिक की बोतल है, कांच के गिलास का जो बेस है वो आपने देखा होगा। मैं आपको दिखा देता हूं, मैं कांच का गिलास ले आता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप इस तरह समझ सकते हो, जैसे ये कांच का गिलास है बेटा मेरे पास, है इसका बॉटम नजर आ रहा है, देखो कितना थिक है ये बॉटम, देख रहे हो इसका। जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, और अगर आप बोल के कर सकते हो तो बोल के भी कर सकते हो, क्योंकि आपकी मेरे को चैट पढ़ने के लिए वापस स्क्रीन पे आना पड़ता है बेटा। तो ये चीज समझ में आई यहां तक, तो दिस इज द बॉटम ऑफ द ग्लास जो हमें क्या कहा है। अब इस क्वेश्चन को ना यहीं पे इससे समझेंगे, ये एक गिलास है, ये कंटेनर है हमारा गिलास, ये इसका बॉटम है, ये जो कितना थिक है 4 सेंटीमीटर थिक, ठीक है, कितना थिक है ये 4 सेंटीमीटर थिक है। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि कंटेनर है उसका जो बॉटम है दैट इज 4 सेंटीमीटर थिक। अब आगे चलते हैं, इसके बाद इन्होंने कहा है कि बॉटम ऑफ अ कंटेनर इज 4 सेंटीमीटर थिक व्होज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 स्लैब। एक मिनट बेटा, ओए चलो मम्मी, ये इस आ गियो, इसने वो कर दिया सुसु और हाथ भी गंदे कर। तो देखो, तो हमारे पास क्या बेटा कि एक कंटेनर है जिसकी थिकनेस कितनी है 4 सेंटीमीटर और ये सारा मेरा ग्लास है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, द कंटेनर कंटेन टू इमिसिबल लिक्विड। कंटेनर के अंदर क्या है बेटा, दो इमिसिबल लिक्विड्स है। इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, पता है इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। तो कंटेनर में दो इमिसिबल लिक्विड है, लिक्विड ए और लिक्विड बी, ऑफ डेप्थ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। मतलब इसके अंदर दो लिक्विड डाले हुए, जैसे मैंने अभी इसमें पानी डाला है, ये लिक्विड ए हो गया मेरा, क्या हो गया, लिक्विड ए, ठीक है, दिस इज लिक्विड से ए, ये हो गया हमारा लिक्विड ए, ठीक है, दिस इज लिक्विड ए पानी। अब पानी के अंदर मैं एक और लिक्विड डाल देता हूं, इमिसिबल लिक्विड, जो किसका काम करेगा, लिक्विड बी का काम करेगा। और इसमें लिक्विड ए कितनी हाइट तक डाला है, 6 सेंटीमीटर तक। मतलब अगर मैं स्केल से देखूं तो कितनी हाइट तक मैंने लिक्विड ए को डाला है बेटा, 6 सेंटीमीटर की हाइट तक डाला है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक और दूसरा लिक्विड है, तो यहां तक ये 6 सेंटीमीटर की हाइट तक हमारा एक लिक्विड हो गया, ठीक है, दिस इज लिक्विड ए, जो कितनी हाइट तक हुआ है, 6 सेंटीमीटर की हाइट तक हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर एक और लिक्विड डाल दिया, लिक्विड डाल देते हैं इसके अंदर भाई एक और, मैं एक मिनट लिक्विड लेके आता हूं। ठीक है, तो जो ये हमारा गिलास है इसमें दो लिक्विड्स हैं, लिक्विड ए और लिक्विड बी, तो मैं लिक्विड बी भी डाल देता हूं। और ये इमिसिबल लिक्विड्स हैं, तो अभी आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी सारी की सारी। तो मैंने क्या किया है, दो लिक्विड्स यूज किए हैं लाइक दिस, सो देयर आर टू इमिसिबल लिक्विड्स, आप देख सकते हो, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, आ रहा है नजर,
ये एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते, इसलिए एक दूसरे के ऊपर लेयर्स बना रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है, लिक्विड ए है और इसके ऊपर मैंने सरसों का तेल ले लिया है, क्योंकि जो सरसों का तेल होता है वो पानी में मिक्स नहीं होता, दे आर इनमिसिबल लिक्विड्स, एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। तो ये है लिक्विड ए और ऊपर है आपका ये सरसों का तेल लिक्विड बी। तो इस तरह से लिक्विड ए और बी दिया है। लिक्विड ए हमें क्वेश्चन में कितनी हाइट पे दिया है, 6 सेंटीमीटर की हाइट पे। कितनी हाइट पे दिया है, 6 सेंटीमीटर। और हमारे कंटेनर का जो ग्लास है उसकी विड्थ कितनी है, कितनी है उसकी विड्थ, 4 सेंटीमीटर। और ऊपर जो लिक्विड बी है उसकी विड्थ हमें कितनी दी है क्वेश्चन में, 8 सेंटीमीटर। आ रहा है क्वेश्चन समझ में, ये क्वेश्चन है आपका जो आपके सामने, ठीक है। और इसके बाद हम ऑब्जर्व किस चीज को कर रहे हैं, स्क्रैच को। किसको ऑब्जर्व करें, स्क्रैच को। अभी ये बताओ कि यहां तक क्वेश्चन समझ में आया, कि ये यहाँ पे एक तरह से तीन मीडियम हो गए बेटा। कितने मीडियम हो गए यहाँ पे, तीन। एक हमारा ग्लास जो 4 सेंटीमीटर का है, उसके बाद ये 6 सेंटीमीटर का पानी, उसके बाद ये 8 सेंटीमीटर का जो ऑयल हमने यूज किया है वो, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है उस चीज को देखो। अब आपसे पूछा क्या है कि ये जो मेरा ग्लास है इसके ना नीचे यहाँ बॉटम सरफेस पे कोई स्क्रैच है, क्या है इसके बॉटम सरफेस पे कोई स्क्रैच है या कोई ऑब्जेक्ट है। तो इन्होंने क्या कहा है, इससे 8 सेंटीमीटर ऊपर तक एक लिक्विड है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर ऊपर तक क्या है, एक लिक्विड भरा है ये 8 सेंटीमीटर। अब यहां पे एक स्क्रैच है नीचे, बिल्कुल इस स्क्रैच को आप ऑब्जर्व कर रहे हो यहां से, ठीक है। इस स्क्रैच को आप ऑब्जर्व कर रहे हो यहां से, तो ये स्क्रैच ऑटोमेटिक है आपको ऊपर नजर आएगा थोड़ा सा, क्योंकि लाइट जो है पहले देखो कहां से जाएगी, ग्लास में से, फिर लिक्विड ए में से, फिर लिक्विड बी में से। तो इन सभी लिक्विड्स ए, लिक्विड बी और ग्लास की वजह से लाइट के अंदर चेंज आएगा, रिफ्रेक्शन होगा। तो एक्चुअल डेप्थ तो कितनी है हमारी, टोटल देखो 8 और 6 14 और 4 18 है ना, टोटल एक्चुअल डेप्थ कितनी है इसकी, 18 सेंटीमीटर। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसकी अपरेंट डेप्थ बताओ, मतलब हमें ये कितना ऊपर नजर आएगा, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जो नीचे था ऑब्जेक्ट, ये हमें कितना ऊपर नजर आने वाला है। मान लिया यहाँ नजर आने वाला है तो हमें बताना है ये कितना होगा, ये जो डिस्टेंस है कितना ऊपर ये नजर आएगा। क्वेश्चन समझ में आया तो जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करो अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। तो ये चीज बेटा हमें जो है कैलकुलेट करनी है। इसको आप साइंटिफिकली भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर इसी चीज को मैं ऊपर से देखता हूं तो एक्चुअल डेप्थ से थोड़ा ऊपर नजर आता है, मतलब हमें इसको कुछ इस तरह से देखना है, देखो इस तरह से कि जो वाटर है ना इसके अंदर, मैंने इसमें ऑब्जर्व करते हैं तो कितना ऊपर नजर आया, ये जो है हमें इस क्वेश्चन में है, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है। ठीक है, तो इसमें हम सिंपल सा फंडा यूज करने वाले हैं। सिंपल सा फंडा क्या यूज होगा, हमें जो जो वो लिख लेते हैं पहले, ठीक है। हमें जो ग्लास वाला मीडियम है उसकी थिकनेस कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर। ए मीडियम की थिकनेस कितनी दी है मुझे, T2, 6 सेंटीमीटर। ऊपर वाले मीडियम की थिकनेस कितनी दी है मेरे को, 8 सेंटीमीटर। ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मुझे कितना दिया है, 1.5। ग्लास का इंडेक्स कितना होता है, 1.5 होता है, ये दिया है ना देखो। मीडियम ए का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना दिया है मेरे को, 1.4। मीडियम थर्ड जो मीडियम है उसका इंडेक्स दिया है 1.3। ये डाटा मुझे दिया है, तो मुझे क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट कितना ऊपर नजर आएगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, एक मीडियम की वजह से ऑब्जेक्ट कितना ऊपर नजर आता है, हमने फॉर्मूला भी निकाला था ना, T(n-1)/V। ये फॉर्मूला अभी डिराइव किया था ना, ये वाला कि डी क्या आता है, T(n-1)/μ आता है ना। तो टोटल कितना ऊपर ऑब्जेक्ट नजर आएगा, इसकी वजह से कितना ऊपर उठा प्लस इसकी वजह से कितना प्लस इसकी वजह से इतना, यानी कि टोटल कितना ऊपर उठा हुआ नजर आएगा, इसकी वजह से कितना ऊपर उठा, फॉर्मूला लग जाएगा 1-1/μ प्लस इसकी वजह से कितना ऊपर उठा, T2(n-1)/μ2 प्लस थर्ड मीडियम की वजह से कितना ऊपर उठा,
T3 into 1 minus 1 by म्यू 3, वैल्यूज रख दो, T1 कितना है मेरा 4, तो 4 into 1 minus 1 by 1.5, plus T2 कितना है मेरा 6 into 1 minus 1 upon 1.4, plus T3 कितना है 8 into 1 minus 1 upon 1.3। इसको सारे को जब आप सॉल्व कर लोगे देन यू विल गेट द आंसर, ठीक है, आपको आंसर। ओके आ रही है बेटा वीडियो, अब नजर आ रहा है सब कुछ? हाँ जी अब चल रही है बेटा वीडियो। ओके है आंसर, आ सारा सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 4.89 सेंटीमीटर, सारा सोल्व करके इतना आंसर आएगा 4.89 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो स्क्रैच है जब आप ऊपर से आप स्क्रैच कितनी ऊपर नजर आएगा, मीटर ऊपर नजर आएगा। आगे क्वेश्चन समझ में, इजी था ठीक है, आसान था, कोई भी न्यूमेरिकल हो फिजिक्स का आपको जस्ट उसको क्या करना आना चाहिए, फील करना आना चाहिए, जैसे मैंने आपको यहाँ फील कराया। ये जस्ट मैंने क्यों किया, जस्ट फील लेके आने के लिए, फिजिक्स जो है वो फील की ही चीज है, जब तक आप फिजिक्स को फील नहीं करोगे आपको वो बोरिंग लगती रहेगी, जब आप चीजों को समझने लग जाओगे ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट आ जाएगा फिजिक्स में। तो इस तरह से एक्टिविटीज के थ्रू आप पढ़ने की कोशिश करो, सेम यही मॉडल है जो यहाँ पे है, ठीक है, चीजों को विजुअलाइज करने की कोशिश करो, किया करो अपने ब्रेन में। तो ये था आज का टॉपिक, तो क्लियर है आज जो पढ़ाया समझ में आया, ठीक। तो आज हमने न्यूमेरिकल्स कवर कर लिए, रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ से रिलेटेड इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे, और इसके अलावा हमने जो है तुम्हारा रियल डेप्थ अपेरेंट डेप्थ और नॉर्मल शिफ्ट वाले न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए। इसके बाद कल हम नेक्स्ट टाइम जो है हम इसे आगे डिस्कस करेंगे, उसमें हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में जो है पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको एक असाइनमेंट भेज दी जाएगी इन क्वेश्चन से रिलेटेड, वो असाइनमेंट आप बैठ के बेटा सॉल्व करोगे, ठीक। तो 30 मिनट पे ही क्लास लगा करेगी, 30 मिनट पे मुझे लिंक भी भेजने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली मैं जब लाइव आऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन भी चली जाएगी। अब जैसे ही आप टीचमेंट ऐप से मतलब क्लास ओवर होगी, तो क्लास ओवर होने के बाद कई बार टीचमेंट ऐप पे एक ऑप्शन आता है कि आप अपने टीचर को बैग, एक बैज, बैजेस होते हैं कि वो बैज दो कि कौन सी टीचर की कौन सी बात अच्छी लगी, ऐसे फीडबैक टीचमेंट मांगता है, तो वो टीचमेंट पे अगर फीडबैक मांगे तो आप वो टीचमेंट को फीडबैक जरूर दे देना, वो मेरी प्रोफाइल में ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है, और अपने जो दोस्त हैं आपके, जो क्लासमेट्स हैं जितने भी हैं उनके पास मेरे जो वीडियोस हैं उनका लिंक शेयर करो, उनको भी बोलो चैनल सब्सक्राइब करने को, ठीक है, क्योंकि 12th का काफी कंटेंट है जो मेरा यूट्यूब पे भी है। आई होप आपने मेरा यूट्यूब चैनल एक बार देखा होगा, उस पर +2 का काफी कंटेंट है, तो वो वीडियोज आप शेयर कर सकते हो अपने सर्कल में, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्लासमेट्स के, और उनको बोलो कि चैनल सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं बेटा कल, कल संडे है, ठीक है, संडे को क्लास नहीं लगेगी, ठीक है, संडे को हम क्लास नहीं लेंगे, संडे को मैं आप बस मैं आपको कल असाइनमेंट भेज दूंगा, संडे को आप असाइनमेंट कंप्लीट करोगे, ठीक है, कल क्लास नहीं लगेगी, मंडे टू सैटरडे क्लास लगा करेगी ऑनलाइन, संडे को आप जो आपको काम दिया जाता है वो कंप्लीट करोगे, ठीक है। मैं सुबह तक आपको एक असाइनमेंट भेज दूंगा, अब तक जो हमने किया उसके क्वेश्चंस की, ठीक है, तो वो असाइनमेंट बैठ के आप सॉल्व करोगे, उसमें जो डाउट्स होंगे वो आपके नेक्स्ट क्लास में लिए जाएंगे, ठीक है बेटा, ओके बाय।